नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मित्रों, विलंब से इस प्रस्तुति के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वस्तुतः कोरोना की इस तीसरी लहर में मैं और मेरा पूरा परिवार चपेट में आया। आप सभी की शुभकामनाओं से अब हम सभी स्वस्थ हैं और इस व्याधि से बाहर निकल आए हैं। अनेक मित्रों की शुभकामना हमें इस बीच मिली, जिसका मैं हृदय से आभारी हूं। मेरी आवाज अभी भी प्रभावित है, अतः आज के वक्तव्य में ऑडियो की गुणवत्ता में कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए आरंभ करते हैं। भारतीय इतिहास की एक अध कचरी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि भारत की पहली स्त्री शासिका थी रजिया सुल्तान। तब इस बात पर खीज हुई, क्योंकि यही असत्य रट रट कर हमारी पीढ़ियां सिविल सर्विसेज निकालेंगी या कि अतीत के प्रति अपनी समझ को विकसित करेंगी। सुल्ताना रजिया का समय है वर्ष 1236 से 1240 ईस्वी, जबकि इसी सदी में उनसे पहले वारंगल की काकतीय शासिका रुद्रांबा देवी अथवा 10वीं सदी की शासिका कश्मीर की रानी दिद्दा या कि उससे बहुत पहले चौथी सदी की वाकाटक शासिका प्रभावती गुप्त को कभी क्यों उद्धरित नहीं किया जाता है। इस प्रश्न को अपने दर्शकों के समक्ष रखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि आज का हमारा विषय इसी रानी प्रभावती पर केंद्रित है, जिनका संबंध अपने समय के दो महान राजवंशों गुप्त और वाकाटकों से था। वे इन दोनों शक्ति केंद्रों के मध्य एक सेतु का कार्य कर रही थी। आइए जानते हैं कौन थी रानी प्रभावती गुप्त। यह वृतांत आरंभ होता है वाकाटक नरेश पृथ्वी शेण प्रथम के दौर में, जिनका शासन समय लगभग 360 से 385 ईस्वी के मध्य माना गया है। दक्षिण तथा मध्य भारत में अपनी जड़ें जमा रहे वाकाटकों की शक्ति में तब गौरव सम्मिलित हुआ, जबकि उन्होंने वर्तमान कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के कतिपय भूभाग में विस्तारित कुंतल क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक इन्हीं समयों में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपने पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से मालवा तथा गुजरात में युद्धाभियान संचालित कर रहे थे, उन्हें अपने शासन स्थायित्व के लिए दक्षिण में एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता महसूस हुई। इसके साथ ही वे अबाध पश्चिमी क्षेत्र में गुप्त राजवंश के साम्राज्य प्रसार को जारी रख सकते थे। ऐसे समय में वाकाटकों से मित्रता कर लेना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए एक व्यावहारिक रणनीति थी। इसके लिए उन्होंने दोनों राजवंशों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए वाकाटक राजा पृथ्वीसेन से मित्रता स्थापित की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह तत्कालीन वाकाटक युवराज रुद्रसेन से करवा दिया। वर्ष 380 ईस्वी में हुआ यह विवाह उस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पाटलिपुत्र में एक बड़े उत्सव की तरह इसे संपन्न कराया गया। तत्कालीन भारतीय राजनीति में गुप्त शासक वर्चस्व में थे। यही कारण है कि वाकाटकों को इस विवाह के उपरांत न केवल गुप्त शक्ति का संरक्षक के रूप में साथ मिला, अपितु कहीं न कहीं उनकी राजनीति की दशा दिशा प्रभावित भी हुई है। गुप्त वाकाटक विवाह संबंध के लगभग 5 वर्ष पश्चात जब राजा पृथ्वीसेन की मृत्यु हुई, अगले वाकाटक नरेश के रूप में रुद्रसेन द्वितीय वर्ष 385 से 390 ईस्वी को सिंहासन प्राप्त हुआ। नए नवेले राजा रुद्रसेन स्पष्ट रूप से अपने ससुर चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव मत में अपनी अधिक निष्ठा रखते थे। संभवतः यही कारण है कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन ने परंपरागत शैव मान्यता के साथ साथ वैष्णव मत के प्रति अपनी आस्था न केवल व्यक्त की
अपितु उसके प्रसार में भूमिका भी निर्वहित की है। स्वयं प्रभावती गुप्त भी विष्णु की उपासिका थी। श्री शैल स्थल महात्म्य में उनका नाम चंद्रावती बताया गया है। इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर यह मानते हैं कि चंद्रावती वास्तव में प्रभावती का ही विवाह पूर्व का नाम था। वाकाटक और गुप्त सह संयोजन ने साथ मिलकर प्रगति और स्थायित्व के अनेक पायदान चढ़े। गुप्त पिता पुत्री के पारस्परिक स्नेह के कारण फैलते फूलते वाकाटक साम्राज्य को उनकी ओर से कोई भय नहीं था। यही कारण है कि दक्षिण में रुद्रसेन न केवल राज्य विस्तार कर सके अपितु समृद्धि भी उन्हें किसी वरदान की तरह प्राप्त हो रही थी। सभी सकारात्मकताओं के बाद भी नियति के पास अपनी ही योजना होती है। मात्र 30 वर्ष की अल्पायु में ही वर्ष 390 ईस्वी में राजा रुद्रसेन की असामयिक मृत्यु हो गई। यह आपदा चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए भी थी, क्योंकि इस अवधि में उन्होंने अपना गुजरात अभियान स्थगित कर दिया और अपनी पुत्री प्रभावती को सहायता और सहयोग देने के सहभागी बन गए। अल्पायु में वाकाटक नरेश की मृत्यु के समय सभी राजकुमार अबोध बालक अथवा अल्पवयस्क थे। जब उन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ उस समय रानी प्रभावती के दो पुत्र थे, दिवाकर सेन जिनकी आयु 5 वर्ष थी एवं दामोदर सेन जो केवल 2 वर्ष की आयु के थे। ऐसी स्थिति में रिक्त हुआ सिंहासन शत्रु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सुझाव सलाह पर अब रानी प्रभावती ने अपने पुत्रों के राजकाज के लिए योग्य हो जाने तक ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की ओर से सिंहासन संभालना सुनिश्चित किया। वे दीर्घ अवधि तक अर्थात वर्ष 390 से 410 ईस्वी तक दक्षिण के तत्कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी रही थी। क्या प्रभावती का शासन पूर्णतः निष्कंटक था? वाकाटकों की समानांतर वासिम शाखा में राजा विंध्य शक्ति द्वितीय थे, जिन्हें इस बात की अपेक्षा रही होगी कि प्रभावती के स्थान पर उन्हें ही राज्य का संरक्षक बनाया जाना चाहिए। संभावना यही है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के भय से वाकाटकों की वासिम शाखा ने न तो विरोध दर्ज कराया, न ही किसी तरह का संघर्ष उत्पन्न करने का प्रयास ही किया। रानी प्रभावती ने कब और किस तरह राज्य को अपना संरक्षण प्रदान किया, इसकी जानकारी हमें पूना ताम्रपत्र तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। विशेष रूप से पूना ताम्रपत्र में रानी प्रभावती ने अपने पिता को बड़े आदर और सम्मान के साथ संबोधित किया है। पूना ताम्रलेखों में दो अन्य विशेषताएं भी हैं। पहली यह कि इसमें पूर्वी गुप्त लिपि का प्रयोग हुआ है और दूसरा यह कि इसका आरंभ वाकाटक के स्थान पर गुप्त वंश वृक्ष से होता है। इन साक्ष्यों का सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि संकट की अवधि में पिता चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का साथ नहीं छोड़ा और कदम कदम पर उन्हें अपनी सहायता प्रदान की थी। इधर पुत्री के राज्य को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात गुप्त शासक अपनी विजय यात्रा में पुनः लग गए और उन्होंने गुजरात तथा काठियावाड़ पर गुप्त शासन का ध्वज लहरा दिया। संभावना है कि अपने पूर्वी अभियान में गुप्त पिता को अपनी वाकाटक पुत्री का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। ऐसा सुंदर द्वि साम्राज्य समन्वयन ऐतिहासिक दृष्टि से कम ही देखने को मिलता है। केवल माता की सहायता ही क्यों, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दोहित्रों की देखरेख में भी रुचि ली थी। अनेक इतिहासकार ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि वाकाटक राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व भी गुप्त शासन के अंतर्गत कुशल शिक्षकों ने निर्वहित किया था। संभावना है कि सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास भी इन राजकुमारों के अध्यापक रहे थे।
इस बात को पुष्ट करने के लिए सेतुबंध काव्य का उदाहरण दिया जाता है, जिसकी रचना कुंतल के राजा प्रवरसेन ने की थी और उसका संशोधन कालिदास द्वारा किया गया है। सेतुबंध काव्य वस्तुतः श्री राम द्वारा लंका विजय प्रसंग पर केंद्रित है। मिराशी के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को कुंतल प्रदेश में राजदूत बनाकर भी भेजा था। यहां रहते हुए महाकवि कालिदास ने कुंतलेश्वर दौत्यम नामक नाटक की रचना की थी। यह नाटक तो अब उपलब्ध नहीं है, तथापि यह जानना महत्व का हो सकता है कि कुंतलेश्वर एक समय वाकाटकों की ही उपाधि हुआ करती थी। इन संदर्भों से भी यह पता चलता है कि रानी प्रभावती का कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन ही कालांतर में अगला वाकाटक राजा बना और उसने वर्ष 410 से 440 ईस्वी तक स्थिर और गौरवशाली शासन अपने क्षेत्र को प्रदान किया था। अतः यह तो स्पष्ट है कि रानी के छोटे बेटे दामोदर सेन अथवा प्रवर सेन को सिंहासन प्राप्त हुआ था। तब हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि बड़े बेटे दिवाकर सेन को सिंहासन क्यों नहीं मिला। वस्तुतः रानी प्रभावती द्वारा संरक्षित शासन के 13वें वर्ष अथवा उसके कुछ समय पश्चात दिवाकर सेन की असामयिक मृत्यु हो गई थी। यह तिथि इसलिए भी रेखांकित की गई है क्योंकि संरक्षण शासन के 13वें वर्ष में रानी प्रभावती द्वारा पूना ताम्रपत्र लिखवाया गया था। इस अवधि में उनका ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन जीवित था। रानी प्रभावती का संरक्षिका के रूप में शासन स्वाभाविक रूप से शांतिप्रिय रहना ही था, क्योंकि गुप्त शक्ति उनके साथ कदम कदम मिलाकर चल रही थी। वर्ष 410 ईस्वी में जब कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन ने वयस्कता प्राप्त की, उन्हें माता द्वारा सिंहासन प्रदान कर पूर्ण राज्याधिकार दे दिए गए। नए शासक ने प्रवर सेन नाम धारण किया और वाकाटक विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व संभाला। अपने शासन के 19वें वर्ष में राजा प्रवर सेन द्वितीय द्वारा एक दान का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह अपनी माता की कामनाओं की पूर्ति के लिए दान करते हुए प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रानी प्रभावती अपने पुत्र के राज्याभिषेक काल से लगभग 25 वर्ष या अधिक लंबे समय तक जीवित रहीं एवं उन्होंने अपने समय में फलता फूलता वाकाटक साम्राज्य देखा था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।